माई दौड़ के आके अबू बकर सिद्दीक नु कहन लगी वे मुबारक किथे आपने फरमाया माई केड़े मुबारक दियां गल्लां करनी है कहन लगी ओ जेड़ा तेरे नाल आया आप टुर गया मेरी खुली जो चानन खत्म नहीं होता फरमाया माई आ जाओ मैं तेनों तेरा मुबारक मिला के ले आवा माई मेरे आका दी बारगाह च आई सारा दिन दीद कर दी रही जदू शाम आई कलमा पढ़ के घर आ गई ओदा सामद बकरियां चार के आया ओनू खुली च पहले दिहाड़े वाला नूर नजर आया ते बीवी नू कहन लगा लगता है मुबारक आया सी कहन लगी मुबारक नहीं आया अज मैं गई सां कहन लगा मैनू क्यों नहीं बुलाया कहन लगी फिक्र ना कर मैं घर वेखाइया बुबा वेखाइया जदों दिल करेगा जा के मिले आवांगे साडा मुबारक होइए जिन्हों जग मुहम्मद कहता मैं दुआ करना सारे उलमा आमीन फरमावन मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उच्चो जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे हुण जेड़ा सने स्टेज वाले इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ च अपनी अम्मी ते अबू नाल उमरा करके आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे ते तेरा कीता जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदियां महफले च सोने दा दीदार करा दे होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अज गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया ते आखी राती नबी पाक दा मिलाद बयान होता रहा मैं सुभान अल्लाह कहता रहा अल्लाह ने रिजा फरमाया वकील ही या रबी अल्लाह उलाइकुम ला युमिनून इन्नहु लकौल रसूल करीम वमा यनफिकु अनिल हबा कमली वाले की होया सदके जान बली मां कोई नहीं कुर्बान जान वाला बाप कोई नहीं बुलहारी जान वालिया बहन कोई नहीं फरमाया वकील ही फरमाया तेरी बोली दी कसम एक बारी बोलते सही मैं दोवें जग कुर्बान कर देवा फरमाया एक बारी बोलते सही मैं दोवें जग तेरी बोली तू कुर्बान कर देवा इसे बात मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जदों नबी पाक दी बोली वल गए ते आ फरमा देने आए कख सबाद ना ए मिसरी अंदर ते ठंडा भी चख डिठियां जिंदाबाद जिंदाबाद हुण सारे बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमा कुल बोल मेरे महबूबा कोई सोना लगे तो दिल करदा बोलदा ही रवे है ना दिल करदा महबूब नु सामने बिठा के सुनिया जाए मेरी मिल्लत दे नौजवानों एडा मिठा बोलदा मेरा नबी जदो बोलदे ना मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मुदस्सिर साहब मेरा आ जुमला एक पासे एडा मिठा बोलदा उहदे विच रब बोलदा है मैं जुमला बोले एडा मिठा बोलदा उहदे विच रब बोलदा है हो सकदा किसी दे ज़हन च ख्याल आ जाए आसी साहब इतना बड़ा जुमला नबी च रब बोलदा है पढ़े लिखे नौजवान तो शरीफ फरमाओ किसी नु जिन चिमड़ जाए ना अल्लाह ना करे तो लोग कहंदे ने ए नहीं बोलदा विच जिन बोलदा
ते बंदे च जिन बोल सकदा ते रब नहीं बोल सकदा। नहीं तुसी समझ नहीं, आओ मैं तुहानू कुरान पेश करा। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम अपनी बीवी सफूरा नूं लैके मुल्के अंताकिया तों मुल्के शाम वल हिजरत फरमा रहे। अचानक रस्ते च देखिया कि बेगम नूं सर्दी लग रही ते आ फरमांदे ने, सफूरा तू इत्थे बैठ ते आओ भई अग बलदी है, मैं तेरे वास्ते सेंकण वास्ते अग लैके आवां। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमांदे ने, मैं जदों अग दे करीब गया ते मैं वेख्या अग है, थूआं कोई नहीं। मजीद करीब होके देखिया अग है, सेक कोई नहीं। मजीद करीब होए ते हैरान रह गए, इत अग ही नहीं, नूर है। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम उस नूर वल बड़ी हैरत नाल वेख रहे, बड़ी हैरत नाल वेख रहे। ते कुराने मजीद दे चल्ला ने फरमाया, उस अग दे करीब एक दरख्त, ओ दरख्त बोल पिया। हुन दरख्त चुकी आवाज आई, पढ़िए कुरान जे फिर सुभान अल्लाह फरमाओ सारे जेडे बेली पिछे बैठे हो, तुसी भी महफिल च आए हो ते महबूब सारेयां दा सांझ आईए। जरा स्टेज बनाई दा ना भाई उच्चा, इस वास्ते बनाई दा कि जेडे मौज़ज़ीन ने उच्ची होके बैठन ते उच्ची सुभान अल्लाह भी फरमान। लाहौर वाले उन्होंने जरा सुभान अल्लाह बोल के वखाओ, इंज बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चाह के बोलो। मैंने पता लगे नबी पाक दे जूंदे जग दे नौकरा च बैठा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बमिन शजरति या मूसा इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने रिजा परमा दरख्त विच आवाज आई, मूसा मैं तेरा अल्लाह प्या बोलना, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरा अल्लाह प्या बोलना जेड़ा रब्बुल आलमीन है। नौजवानों फतेह वालियो, नौजवानों हसन कुरबालियो, कुरबो जवार देने वालियो, जेड़ा रब दरख्त विच बोल सकदा है वो मुहम्मद विच भी बोल सकदा है। दरख्त विच बोल सकदा है और मुहम्मद विच भी बोल सकता है। और जे इजाजत दियो ते पंजाबी सियालकोटी जुबान च दा मिठा जा तर्जमा करा, मैं दे दा तर्जमा जे करया करना। ओ पत्थरा तू कलम बड़ा जानदा है, ते सुखी आंख जोरा उगा जानदा है। ओ पत्थरा तू कलम जोरा उगा जानदा। मेरी तसल्ली नहीं होने। अच्छा ओ बंदा हाथ खड़ा करे जिदा दिल करता मैं कयामत नूं उठा ते मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखा होवे। हाथ इत ही रखा जे इत मैं वेखना किन्ने नहीं खड़े किते बला। हुण जिदा दिल करदा ना वो इत ही लहरा के मेरे नाल मिलके सारे मेरे नाल पढ़िए। ओ पत्थरा तू कलम बड़ा जानदा है, ते सुखी आंख जोरा उगा जानदा है। ओ पत्थरा तू कलम बड़ा जानदा है, ते चुकी
ਖਜੂਰਾ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਵਾਰੀ ਪੜੋ ਉਹ ਪੱਥਰਾ खाली ना जाया जे कुछ लैके जाना मंगते का काम आ सदा देना सखी का काम आ झोली भर के भेजना जे मंगता सदा ही ना दे साढ़े दरवाजे मंगता वे ना कहता घर वाले तेरी खैर होवे ना तो वजो करिए कहता तेरे कारोबार की खैर होवे ना तो वजो करिए तो कहता तेरे बच्चों की खैर होवे मैं अर्ज की या अल्लाह जे तेरे को मंगना हो अल्लाह फरमाता ना मेरा कारोबार ते ना मेरे बच्चे तो फिर किवें मंगीए अल्लाह फरमाता है कि मेरा यार है ओदियां खैर मंगदा भी जो मंगेगा दे देगा जिन्हों लगता ना मैं फतेह बैठा रबे चुप जिन्हों लगता मैं गुंबद खिदरा दे सामने बह के दीदार की खैरात मंगना ओ बंदा हाथ खड़ा कर इस तरह हाथ नहीं करने आज इस तरह कटोरा बना लो ना सवाली वाला इस तरह करके सारे भाई स्टेज वाले भी उन सारे मिल के मेरे नाल पढ़िए ओ पथरा तू कल में पढ़ा जान दाए ते सुकिया खजोरा उगा जान दाए ओ पथरा सुकिया खजोरा उगा जान दाए ओड बे बेड़े तरा जान दाए ओड बे बेड़े तरा जान दाए ओड बे बेड़े तरा जान दाए थी गल्ला करा जान दाए ओ गुगे थी गल्ला करा जान दाए ओ पथरा तू कल में पड़ा जान दाए ते सुखिया खजोरा कुल फरमा बोल मेरे महबूब जब मेरा नबी बोलता जेड़े कदे नहीं ना बोले फिर वो भी बोल दे नौ साल का बच्चा लेके माई मेरे नबी दी बारगाह विच आई बच्चा नबी करीम के सामने बिठा के ना ते माई दीवार ना लग के रोन लग पई नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमा बीबी मेरे करीब आ मैं ते रोंदे चुप करावन आया अबू रोंदा कदे अबू आखे बाप रोंदा कदे अबू आखे भैणा रोंदियां कदे वीर गल्लां करे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया बीबी गल की माई रोक के कह लगी कमली वाले नौ साल का पुत्र हो गया बोलता नहीं गूंगा सोने हाथ जोड़ के कहती कुछ कर वे सोने नहीं तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह वरना मैं गल दी वजाहत कर देंदा थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकने मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए चोर साहब को लंगर शंगर भी है लंगर भी है फिर भी नहीं बोलते
थोड़ा लंगर घरों भी खा क्या करो, है बंदा सुभान अल्लाह कह जो हो जाता है। जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर तो सुननी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह। ओके जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा नबी पाक दे लंगर च खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। असि लख रुपया लगा के काबा वेखन जाने ते माई नो ते काबा घर दे सामने लगदा सी, ओ काबे नहीं ना गई, ओ काबे वाले दे महबूब को ला गई, क्योंकि माई दा खीदा ऐसी सोने जिन तू ना दे उन्होंने तेरा रब भी कदो देता है, रब उन्होंने ही देता जिन्हों मोर मदीना दा ताजदार लगा के देवे। माई हाथ जोड़ के इंज कह लगी कुछ कर वे सोने नौजवानों, ए इस तरह ना मेरे नबी ने उस बच्चे की थोड़ी दे नीचे हाथ रखे ना ते बच्चे का चेहरा उठाया ते चेहरा उठा के अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया सौ टुकड़े। उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ मैं कदे डूब जाते की आखा ओदी अख दी मस्ती ओदे हाथे च कोई तलवार भी नहीं पर खाली जांदा वार भी नहीं। या इंज पंजाबी च ना कह लवां एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने, एडियां सोहणियां यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। ते जे आखो ते मौलाना मोहम्मद यार फरीदी तुहाडे इलाके दा शहनशाह, मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह दे कलम दी नोक ते रख के ओदी अख दा तज़किरा छेड़ा, तुसी नहीं बोले नहीं ते मैं लै जाणा सी, होर औला बोलो तुहानूं कदे नजर ही ना लग जाए। अजय मसना वो जिते मैं शुरू होया, अजे ते बैंडा बड़ा लंबा मेरा तुहाडा, मैं तुहानूं मदीने छड़ के आउणा इंशाअल्लाह। अकीदा वहदतुल वजूद अजीम शारे हजरत मौलाना मुहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह बाबे फरीद दे नौकर दा नौकर, जदों नबी पाक दीआं अखां वल गए ना ते अबरू वल गए ते आप इरशाद फरमांदे ने दो अबरू यार दे खमदार वावा दो अबरू यार दे खमदार वावा दो अबरू यार दे खमदार वावा मस्ते हो जाओ दो अबरू हमदार बहुआ दिखी तलवार जौहर तार बाबा तो अबरू यार दे हमदार बहुआ अबू बकरो उमर उस्मान दे चारे यार बहुआ नबी दे चारे यार बहुआ अली ओ फातिमा शबीर सबर रसूलुल्लाह दे अनवार बहुआ रसूलुल्लाह दे अनवार बहुआ तो अबरू यार दे हमदार ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋਹਰਦਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੌਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਐ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਇੰਜੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕਰ
इलाही फरमाया बच्चा गल्ला करन लग पिया मां ने दौड़ के आके सीने लगा लिया सीने ला के कहन लगी वे 9 साल बुलांदी रहीया बोलिया नहीं बोलिया मुहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया ही कोई मिठा मेनू किसे बुलाया ही नहीं ते मैं बोलिया ही नहीं पता चलिया ओ गुंगिया थी गल्ला करा जान दाए ते पत्थरां तो कलमे पढ़ा जान दाए वाह सोनिया तेरिया मिठिया बोलियां तू सदके जावा अल्लाह ने फरमा खोल बोल मेरे महबूबा बोल मेरे महबूबा अर्ज की थी या अल्लाह की बोला इजाजत देवो ते थे हजरत पीरे बाहू दे दरबार दा चक्कर ना लगवा के लेवा चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे लवा लो नहीं सुभान अल्लाह बंदी नाल दे बंदे ना मशवरा कर लो ते जे बनदी है ते रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह ओ मैं रहीम यार खांगे एक बारी ते मैं कह रोंद ना मारो ओ एक दूसरे नु पूछन लग पिया रोंद की होंदा ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो लिहाजा रोंद ना मारो ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह देखो किन्ने नहीं हाथ खड़ा कीता नाल दा मेरी सहारा कराओ ते ओदा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह आरफा दे सुल्तान ने फरमाया ना रब अरशे सारे बोलो भाई आमीन 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 भाई फतेह वाले आया मैं तुहाडे पिंड पहली बार हां चौधरी साहब पर मैं जिन्नी देर स्टेज ते बैठा होगी मैं एक गल दा तजजिया अपने तजर्बे दी बुनियाद ते कर सकना कि तुहाडे पिंड सलूक बड़ा है क्योंकि वो वजह है ना कि मैं जिनी बारी आखना सुभान अल्लाह कहो या लब्बे एक दा ना दोस्ता ला रगा एक बारी अगले बोल देने ते एक बारी पिछले बोल देने वो इन्हां दा साक डांदे ने इन्हां दा साक डांदे ने माशाल्लाह है सुभान अल्लाह क्या सलूक है तुहाडा मैं तुहाडी लड़ाई कराने नहीं आया तुहाडा सलूक अल्लाह सलामत रखे पर सलूक ना सुभान अल्लाह भी बोल के विखाओ होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह 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 पुख्ता हो गई कि जो फजल ते रहमत हो फिर जशन मनाना आओ नजर अल्लाह की बारगाह च अर्ज करिए या अल्लाह इते बात पुख्ता होगी कि जदों फजल ते रहमत होवे फिर जशन मनाना है ते जरा ए भी दस दियो फजल की है ते रहमत की है सुभान अल्लाह हुन पढ़ा कुरान फजल ते रहमत की है भाई मैनूं पता नहीं हुन मैं केड़ा कुलिया वरतां ते तुसीं सारे सुभान अल्लाह बोल रहे या ते तुहानूं यकीन नहीं आ रहा कि आसी साहब आ गए ने
जे नहीं आया तो भाई मैं आ गया, तकरीर अद्धी बहुती हो चली है, हुण सुभान अल्लाह फरमाओ। ये मेरा ड्राइवर है रियाज जी, वो रावल पिंडी तो मैंने कहें आसी साहब जो वापस जाना हो ना किसी शहर तो रात को चौर साहब तो वो मैंने कहें सोना तो हजरत साहब तुम पिछली सीट पर चलो। मैं पूछा क्यों, तो कहें फ्रंट वाली सवारी हो जाए ना तो ड्राइवर नींद जी आ जाती है, आ जे स्टेज पर बैठे हो तुम फ्रंट दी सवारियां तुहाड़ी मेहरबानी तुम जाके बवो तो उच्चा सुभान अल्लाह फरमाओ, तुहाड़े वेखो वेखी वो भी सुभान अल्लाह कह हाथ चुक के बोलो सारे सुभान अल्लाह। नाराज ना होना मगर चूंकि ये सुभान अल्लाह मैं इस वास्ते बार बार हाथ उठावन वास्ते कह रहा, हो सकता है किसी नौजवान को ख्याल आवे असीं सब क्यों कह रहे बार बार हाथ खड़े कर लो हाथ खड़े कर लो। मैनू मिंबर वाले रसूल की कसम तुहाडे हाथ खड़ा करने च मेरा कोई फायदा नहीं, मगर मैं क्यों हाथ खड़े करवा रहा। सूरह यासीन च अल्लाह ने फरमाया अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह फरमांदा कयामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगीआं हाथ बोलणगे। मेरा दिल करता जो कयामत नूं अल्लाह तुहाडे मेरे हाथ नूं पुछे बंदा की करदा सी, ते हाथ इह ना कहे या अल्लाह दुध च पाणी पाउंदा सी, इह पट्ठे बगाने ही वढ लैंदा सी। हाथ कहे या अल्लाह माफ कर दे जो करदा सी, जदों कमली वाले दा नाम लाउंदा सी मैं उच्चा होके सुभान अल्लाह कहदा सी। इस हाथ नूं बख्शिश दा वसीला बनाओ ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। उन सुनिए मैं अपने मौजूद की तरफ आवां के फजल की ते रहमत की है। अल्लाह ने रिजा फरमाया या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बशिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। अल्लाह ने फरमा कमली वाले तेन नबी भी बनाया शहीद भी बनाया, असा तेन मुबशिर ते नदीर भी बना के भेजा, असा तेन दाई लल्ला भी बनाया सिराज मुनीरा भी बनाया। फरमाया बशिरिल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमा कमली वाले इन मोमिनों बशारत होवे। अर्ज की लकड़ी गदी मुबारक पिया देना, फरमाया भी अन्ना मिन अल्लाह फदलन कबीरा। अल्लाह ने फरमा ईमान वाले मुबारक होवे, तो हाडे कोल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया। अर्ज की कमली वाला फजल किवें, अल्लाह ने अपनी रहमत का इशारा अपने यार वल किया, फरमाया जाली अल्लाह ने फरमाया आ कमली वाला मेरा फजल है। अर्ज की अल्लाह असी तेनों फजल समझते रहे, फरमाया मैं ते फजलां वाला वा फजल ते मुहम्मद दी जात है। अल्लाह ने अपने यार ते फजल का जिक्र फरमाया, फरमाया फलौला फदलुल्लाह अलैकुम वरहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। फरमाया जे मेरा यार मेरा फजल बन के ना आंदा तुसा खाटे च रह जाना सी। अर्ज की अल्लाह पता चल गया तेरा फजल कमली वाला है। अर्ज की अल्लाह तेरी रहमत कौन है, फरमाया वा मैं अरसलना रहमतल्लिलआलमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला। अर्ज की अल्लाह यार दियां शाना की नहीं, फरमाया बद गुरु नेमत कमली वाला मेरी नेमत भी कमली वाला। अर्ज की अल्लाह कोई औलाद नो फजल समझ दे, कोई माल नो फजल समझ दे, कोई कोठी ते कार नो फजल समझ दे। अर्ज की अल्लाह अपने यार नो केड़ा फजल दे के भेजे आई, अल्लाह फरमाया कमली वाले मैं किसी नो एक फजल अदा किया, किसी नो मैं दो फजल अदा किए। फरमाया महादा देना ना वाले आओ तेनों मैं दे के फजल नहीं भेजे, तेनों बना के इंज का फजल भेजे है, जिधरों जिधरों लगता जावेगा फजल कर दई जावे। हुण बोलो सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह परमा सोने तेन मैं दे के फजल नहीं, तेन बना के फजल भेजे।
तो जिधरों जिधरों लंघता जावेगा फजल करता ही जावेगा। ओ बोले जिन्हों लगता मेरे ते फजल कमली वाले दा है। अल्लाह ने फरमाया फजलन कबीरा, फरमाया मेरा वड्डा फजल कमली वाला, सब तो बड़ा फजल अजिद जिद ते फजल है ना, वो सारे कमली वाले दे फजल दा सदका है। हुन फजल की आओ मैं अर्ज करा, बट सब अर्थ भी कर रहे हैं और मेहरबानी फरमा स्पीकर जरा मेरे करीब नहीं कर लगे, दोनों का फासला बहुत ज्यादा। फजल की क्यों नहीं मुदस्सिर साहेब, मुबीन साहेब और ये तमाम बेली जितने लाहौर तू तशरीफ लेके आयो, बनी इसराइल वाले मछलियां पकड़ते सन, मछेरे सन। अल्लाह ने फरमाया कि तुसा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी, छुट्टी कर लिया। उधर मछलियां नु हुक्म होया कि तुसा दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन। मुफ्ती अहमद यार खानी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जड़ी मछली के पेट च अल्लाह के नबी यूनुस अलैह सलाम 40 दिन रहे ना, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली की जियारत कर आउंदियां सन। अच्छा जेड़ी मछली दे पेट च यूनुस नबी 40 दिन रवे, मछलियां ओदी ज़ियारत लई आउंदियां ने, ते जेड़ी मां दे शिकम च 9 महीने कमली वाला वस के आया होवे, फरिश्ते उस मां दी ज़ियारत लई नहीं आउंदे होणगे। ओ बोले जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है। अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़नियां क्योंकि ये ज़ियारत लई आउंदियां। असीं एवें नहीं दाता साहब ते बाबा फरी जांदे, सानूं पता है वो बच जांदा जिहड़ा ज़ियारत लई आउंदा है, बचते होने जिहड़े ज़ियारत लई आउंदे। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां। जदों यहूदी दरिया ते गए ना तो उन्हें देखा इतनियां मछलियां ते पकड़नियां भी नहीं, मछलियां पानी च मुंह कढ़ के दिखांदियां ते मछेरे दे दिल डोलदे। सारे यहूदियां दे सियाने ते बुजुर्ग बैठ गए ते उन्हें आख्या मशवरा करो कि दरिया च छोटियां छोटियां नालियां बना के अपने घरां तक ले आओ, अपने घर च हाउस बना लो, टैंकियां बना लो, जो हफ्ते वाले दिन मछलियां दरिया च आवन गियां इन्हां नालियां दे जरिए साडे घर तक आ जावनगियां, टैंकियां ते हाउस भर जावनगे ते इतवार नूं मछलियां पकड़ लवांगे। बयान ही इस तरह होया, हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्हां नालियां दे जरिए यहूदियां दे घर तक आ गईयां, हाउस भर गए। यहूदी बड़े राजी कि ऐसा हफ्ते का अदब भी कर लिया, मछलियां कट्ठियां भी कर लिया ते इतवार नूं पकड़ भी लवांगे। मगर जो ही इतवार का दिन तुलू होया ना, वो जेड़े रब दे हुक्म ना मछलियां इधर आईया सन, उस रब दे हुक्म नाल वापस लौट गई, सारे हाउस दे टैंकियां खाली हो गई। अल्लाह की कुदरत नु जलाल आया कि ना मेरी हुक्म अदूली की थी, ना मेरी गल नहीं मनी। अल्लाह ने रिजा फरमा कोनो की रदत खासी, परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ, यहूदियां दिया शक्लां बिगड़ गईयां, कुछ बंदर बन गए कुछ सूर बन गए। नौजवानों तुसीं भी जदों काम तो शाम नूं घर आउंदे हो अपने कमरे दे सामने आईने दे खलो जाया करो, नाले अखियां बंद करके सोचिया करो, मैं बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, मैं बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना, सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वे, जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मोहम्मद मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे वाले नहीं पिया वेखदा, ये ते यार नु यार दा मुंह पिया मारदा। मछलियां पकड़िया ते रब बंदर बना देते, वो केड़ा गुनाह जेड़ा पिछलियां कौमां कीता ते असी नहीं कर रहे। शराब नहीं पी रहे, अज लोग जिना नहीं कर रहे, जुआ नहीं खेल रहे, सूद नहीं खा रहे, पर शकल नहीं बिगड़दी, क्यों? ये फजल ही कमली वाले दा। अल्लाह ने फरमा तेनों दे के फजल नहीं बना के फजल भेजे, तो जिधरों लंघता जावेगा फजल करता ही जावेगा। अल्लाह ने फरमा तू फजल सोने फजल बना के भेजिया। आ जेड़ा चौधरी मुदस्सिर साहब ने महफिल मिलाद का इनकाद किया ना, पता चलिया उस फजल का शुक्रिया अदा करने वास्ते आया, उस फजल का जेड़ा अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत असा गुनागारा से किया। अगली गल करा,
ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੇਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕਰੇ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਲੱਗ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਓ ਬਸਤੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਇਦ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਚ ਬਾਗ ਲਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਚ ਜਿਹਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਬਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਜ ਬਾਗ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੱਕੀਆਂ ਟੁਰ ਪਏ ਦੋ ਰਾਹੀ ਦੋ ਰਾਹੀ ਕੌਣ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਹੀ ਮਾਈਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਚ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਖਾਮਲ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਮਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ ਚਲਾ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਔਕਾ ਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਵਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਫਰਮਾ ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਤਿਹ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਇਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਓ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਓ ਉਹ 1500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰੋਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਮਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਬਣਾ ਦੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰੋਣੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਦੀ ਮਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਵਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਵਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਓ ਚੌਰਸਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਈਏ
नबी करीम ने इना फरमाया ते माइक खान दी कुली दे दरवाजे चो हट गई ते नाले हटे ते नाले लबां च पई आखे आख्या भी ये दुध नहीं देंदी फिर कहंदे ने चोले माई कहन लगी चोया जांदा जे ते चोलो नौजवानो इधर माई दरवाजे चो हटी ते नबी पाक कुली दे दरवाजे च खलो गए उन नक्शा की देवा के बकरी अपने गोड़ियां ते सिर रख के बैठी ते खबर कदों दी बैठी पर जब नबी पाक खड़े होए ना ते बकरी सांस ते सांस से हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते बकरी सिर चुक के कहंदी किधरे ओ इत नहीं आ गए ओ जी दी सारे नबी उड़ी कहीं कर दे गए बकरी ने तो नबी पाक का रुख अनवर वेखा ना हुन बकरी नबी पाक वाल वेखी जावे हजूर बकरी वाल ते बकरी हजूर वाल हजूर बकरी वाल ते बकरी हजूर वाल हजूर बकरी वाल ते बकरी हजूर वाल वेखे ना ए इस तरह करके मेरे नबी ने बकरी ना ए जी इशारा कीता ए तो नु याद है ना बकरी जद बोलदी है ते मैं कहंदी नबी पाक ने बकरी नु इशारा कीता ते बकरी हजूर वाल वेख के कहंदी जी मैं फरमाया हां तू दूसरा इशारा कीता ते बकरी कहंदी वे सोणिया मैं फरमाया तू कदे बह जाओ ना ते गल वखर हो जी यकीन करो एडा सोहना ना स्टेज बनाया तुहाडे वास्ते बेलियो मैं माधर चाहना तमाशे खलो के वेखी दे ना मिलाद बैठ के सुनी दे जिन्हों लगता मैं तमाशा वेखना है तो खड़ा रहे जिन्हों लगता मैं मिलाद सुनना है वो बह जावे दूसरी बार इशारा कीता ते बकरी कह दी वे सोणिया मैं फरमाया हां तू तीसरी बार इशारा कीता कहन लगी वे कमली वालिया मैं फरमाया हां तू कहन लगी जदू जवान सदुद देंदी रही हूं सारे पुछते रहने अज वडेरी हो गया पुछदा ही कोई नहीं इस बात से कहनिया किथे तू किथे मैं के रोके कहन लगी मैं को जी मैं को जी मेरा दिल परसोना ते मैं क्यों उसनु पावा पड़े दाना ही पई लखों सी ले पावा हूँ ना मैं सोनी ना मैं सोनी किते रोंदी ना मर जा मैं को जी ते मेरा दिल भर सोना किथे मैं को जी किथे ओ सोना मेरे नबी ने बकरी नु इशारा कीता ते बकरी जड़ी कद नहीं ना उठी अज उठ के दौड़ पई बकरी आके नबी पाक दे कद बैन ते मुसा देता हजूर ने ना अपने युद्दुल्ला वाले हाथ इस तरह करके बकरी दी खेरी ते फेरे हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने मैं देखा बकरी दी खेरी च इतना दूध भर गया कि ओदियां पिछलियां लत्तां खुल गईयां तुसी देहाती आदमी हो तुसा दिखिया होगा कि जानवर के थाना चो दुध ज्यादा हो पिछली लत खुल जाना इस बात की निशानी होती है कि थाना चो दुध बहुत ज्यादा है मेरे नबी हाथ फेरे ना उदे हाथ रब अपने हाथ आखे होवे काफिर जेड़ा वखे आखे हजरत सिद्दीक अकबर माई वाल वेख के कहन लगे माई जी जरा बर्तन ले आया जी माई कुल्ली वाल तुर पई ते नाल लबां च आखे आख्या भी यह दुध नहीं देंदी फिर बर्तन पे मग दिन ते माई कह लगी दे भी लिया ते किन्ना को देवेगी
माई जाके ना एक प्लेट लेके आई, कटोरी एक थाली लेके आई। नबी पाक ने प्लेट रख के ना ते बकरी का दुध धोया ना ते ओ प्लेट भर गई। हजरत ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमा लगे, माई जी जरा बर्तन होर ले आया जे। हुन माई डोल लेके आई वह भी भर गया, देगची लेके आई वह भी भर गई। हुन माई बर्तन ले आई जावे ते हजूर भरी जा रहे, माई ले आई जावे ते हजूर भरी जा रहे। माई ज्यों अंदर गई बाहर ना आवे। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने, माई जी बर्तन ले आओ ना। ते माई की अंदरों आवाज आई, कित्थों ले आवां, मेरे बर्तन ही मुक गए ने। अज माई दे बर्तन मुक गए ते बकरी चो दुध ना मुके। भाई फजल आया ना, ए तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलो। सारे बर्तन भर गए। उलमा फरमाते ने हदीस पढ़ के इंज लगदा जिवें उस दिहाड़े मेरे नबी ने उस बकरी दा कनेक्शन हौज़े कौसर नाल जोड़ दिता। उस बकरी ने सिर्फ उस दिन इतना दुध नहीं दिता। शारहीन फरमा देने कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दे दौर तक वो बकरी रोज दो वेले उतना ही दुध दे रही थी। जब अरब दे अंदर कहत पिया तो लोगों को खावन नु लुकमा नहीं मिलता, उस माई दे घरों उस दिन भी दुध मिल जाता। चौरसा मेरे नबी ने आप दुध पीता, सिद्दीक अकबर ने पिलाया, माई ने पिलाया, बर्तन भरे ते हजूर मदीने वाल तुर पे। ते माई शाम तक दरवाजे च खलो के ना तेरे मेरे नबी की टोरी वेखती रह गई। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਦ ਸਰੂ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਚਾਲ ਕੇ ਜਿੱਧਰੂ ਟੁਰਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਗਲੀ ਚ ਚਾਨਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਤਬੇ ਸੀਰਤ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਲਿਖੇ। माई का खामद अबू माबद जो शाम ऊंट चार के बकरियां चार के घर आया ना, उन्होंने कुली च अजीब जहा नूर नजरी आया। तो बीवी के करीब बैठ के कह लगा, कोई आया सी? ते माई जड़ी सुबह दी बड़ी हैरान कह लगी, हां गैबुल गैब दे देसों आया एक कालिया जुल्फां वाला। दो घड़ियां मेरे मन में रह के कर गया नूर उजाला। खामद अपनी बीवी नु कहंदा, कैसा सी, किवें दा सी? माई कह लगी, आप ही सोच, सुबह तक टुर गया, जब तक कुल्ली चू चानन नहीं मुकदा किवें दा होवेगा। कह लगा, कुछ ते दस ना किवें दा सी। लो बई फरे वाले, मेरी सारी तकरीर दा निचोड़ जुमला सुना देवां। माई नू कहंदा, किवें दा सी? सुभान अल्लाह हो गए। कहंदा किवें दा सी? ते माई कहंदी, ओदे वर्गा कोई होवे ते दसां किवें दा सी। ओ ते बस आप ही अपने वर्गे। कह लगी, तेनो की दसा, लम अरा कबलहू अला बादहू मिसलहू। ना ओदे तो पहले किसी ओदे वर्गा वेख्या, ना ओदे बाद कोई ओदे वर्गा वेखेगा। ओ बस आप ही अपने वर्गे, ओदे वर्गा कोई नहीं। एवें लोग गड्डियां चुक के कहंदे ने मेरे वर्गा, पर ओदे वर्गा ते रब बनाया ही कोई नहीं। लम अरा कबलहू अला बादहू मिसलहू। खामद बीवी दे करीब बैठ के कह लगा, कुछ ते दस ना किवें दा सी। ते कह लगी, आ फिर मैं तैनू दसा किवें दा सी। हुन माई मेरे नबी दा हुसन अपने शौहर नूं सुनावण लगी। मेरे कोल ते अल्फाज नहीं कि मैं तर्जमानी उस अरब की फसाहत ते बलागत की ताजदार की तर्जमानी मैं कर सकां, पर मेरा लफज दिल करदा उधारे लै लवां किसी आशिक रसूल कोलों। हजरत मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ना वह नक्शा बयान किया जिहड़ा माई ने नबी करीम का नक्शा अपने शौहर नूं सुनाया। पंजाबी जुबान चों सुनावां जी आखो सारे सुभान अल्लाह। भाई बे मुर्शद बंदे ना मैं कदे बोलिया नहीं, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा होर जोर लगा के अपने अपने हिस्से का बोलो सुभान अल्लाह। माई कह लगी, तेनों की दसायो ते दंद मोतिया दिया लड़िया, दंद मोतिया दिया लड़िया, उदे रावा विच पूरा रै खड़िया, ते अखां बिच गुदरती सुरमे दिधारी, दिलानों इंज कटदी जिवें कटारी। जिगर दिल बंदिया मई आ बाप
ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਲੀ ਘਰਾਨਾ ਹੁਸੈਨੋ ਹਸਨ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਨਾਨਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਨਗੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਵੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਨਗੀਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸਫ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸਫ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਮਾਈ ਇੱਕ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਯੂਸਫ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਸਫ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸਫ ਚੌਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸਫ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੁਲਾਖਾ ਪਰ ਵਾਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਲ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਜੇ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਹਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਜਦਾਰ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦਾ ਮਿਹਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇੰਝ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਹਨਾ ਮਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ ਪਰ ਘੁੰਡ ਸਾਰਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁੰਡ ਉਠਾਓ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾਤਾਂ
रूबरू सजन दे बह के कर लिए दो बातां। आखे लगी कौंड सारा ना चुके आजे हजरत यूसुफ अला नबी नाले सलाम थोड़े जे नकाब सरका के गुजर गए ते वेखन वालियां दा की हाल होया। पढ़ा कुरान सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वक्ता ना आईदिया हुल्ला वकुल नहास लिल्लाही माहदा बशर इल्हादा इल्ला मलकुन करीम। परवरदिगार ने परमा जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां दियां उंगलियां कट गईयां उंगलियां दे टुकड़े हो गए। कमली वाले आओ मैं तेरे हुसन तो कुर्बान जावा। जिन्ना यूसुफ दा जमाल वेख्या उन्हां दियां उंगलियां दे टुकड़े हो गए। मुहम्मद दी उंगली वेख के चन दे टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई बड़ा सोहना होवे ते मां कहंदी मेरा चन वरगा। इत्थे चन वरगा नहीं आप चन। ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਦਰੇ ਖਾਮਰ ਡਾਂਟੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? मुबारक मुबारक दा मानी बरकत वाला। उन्हें बरकत वेखी ना नबी पाक दी ते कहन लगी अज साडे घर मुबारक आया सी। ते खामद कहन लगा फिर अज तो बाद मैं बकरियां चारों दूर कोई नहीं जाना। जदों मुबारक आवे ना ते बच्चे नु भेजी फिर मैं मुबारक वेखन आवांगा। शाम नु बकरियां चार के आना ते अपना कदम पहले ही वेड़े च रखना ते कहना मुबारक आया सी। माई कहना नहीं आया। माई ने खाना रखना ते उन्हें खाना हटा के कहना खाना फिर खा लवांगे। मुबारक दी को गल ही सुना। माई ने रोज ओ ही सुना देनी क्योंकि माई को है ही हो। तस्करा छिड़दा रहा वक्त गुजरता रहा। एक दिन उम्मे माबद फरमा दिया मैं अपने पिंड की दुकान तो सौदा लैन गई सौदा ना मिलिया। तो फरमा दिया मैं बच्चे को उंगली ना लगाया तो टुरी टुरी मदीना की मंडी आ गई। सौदा पियाँ खरीदियाँ तो बच्चा माँ की उंगली हिला के कहता अम्मा ओ ओ ओ वे कौन पिया जाता है। हजरत सिद्दीक अकबर मदीने की गली चुपे गुजरते सन। माई कह लगी ये कौन है? तो बच्चा कह लगा अम्मा ये उस दिन मुबारक ना लाया से उस दिन मुबारक नाल आया सी। माई दौड़ के आके अबू बकर सिद्दीक नूं कहन लगी वे मुबारक किथे आई। फरमाया माई किने मुबारक दियां गल्लां करनियां है। कहन लगी ओ जेड़ा तेरे नाल आया आप टुर गया मेरी खुली च चानन खत्म नहीं आंदा। फरमाया माई आ जाओ मैं तेनों तेरा मुबारक मिला के ले आवा। माई मेरे आका दी बारगाह च आई सारा दिन दीद कर दी रही। जदू शाम आई कलमा पढ़ के घरे आ गई ओदा खामद बकरियां चार के आया। ओनू खुली च पहले दिहाड़े वाला नू नजर आया ते बीवी नो कहन लगा लगता है अज मुबारक आया सी। कहन लगी मुबारक नहीं आया अज मैं गई सा। कहन लगा मैनू क्यों नहीं बुलाया? कहन लगी फिक्र ना कर मैं घर वेखाइया बुआ वेखाइया जदों दिल करेगा जहां के मिले आवांगे। साडा मुबारक ओए जिन्नू जग मुहम्मद कहंदा तू आवाज आई सोने तेन मैं बना के फजल भेजा है। तू जिधरों लंघता जावेगा फजल कर दई जावेगा। जी अज फतेह के अंदर महफल सजी ना पता लग गया सानू चौधरी मुदस्सिर साहब ने नहीं बिठाया सानू रब दे कुरान ने बिठाया। सानू रब दे कुरान ने बिठाया असी उस फजल का शुक्रिया अदा करना है जिहड़ा अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत च साडे ते कीता है। असी हाँ फजल वाले ते जदों फजल होया साडे ते वे ते खुशियां भी ते ऐसा ही मनानियां। भाई खुशी ते उन्हें मनानी है ना जिदे ते फजल होया। अपने अपने बनेरे ते एक झंडा मिला शरीफ का लगा लो। बनेरे ते झंडा लगा हो ना पीटीआई का ते गुजरन वाले नूं पता लगता है ये घर वाले पीटीआई दे। झंडा लगा हो मुस्लिम लीग नून का ते लोग कहंदे ने मुस्लिम लीग का बंदा है।
झंडा पीपल्स पार्टी का लगा हो लोग कहते हैं घर वाले पीपल्स पार्टी दे तो मिलाद का झंडा लगा पता लगे मुहम्मद की पार्टी का बंदा है मिलाद शरीफ का झंडा अपने बनेरे ते लगा लो सफेद सूट नवा एक दर्जी सीवन वास्ते दे दो टोपी नवी सफेद रंग की खरीद लो घर च खुशियां का समा तो दरू शरीफ पढ़ना शुरू कर दो बच्चे ते नस्ल पूछन ना अबू जी की गल ते आखियो बेटा सुनिया की ईद आ रही है ये अकीदा अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल करो अपने घर च मिलाद शरीफ दी तैयारियां शुरू करो ताकि औलादां पुछन अबू जी साडे वेड़े कादी खुशी आ रही ते आखियो मिलाद दे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे जश्न ईद मिलादुन नबी आ रही सुनियां ते मुसलमाना दी वड्डी ईद आ रही है नबी पाक दे मिलाद दा दिन तशरीफ लेके आ रहे है अपने घर च तैयारी करो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दियो अपने घर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च पेश करन वास्ते कुरान मजीद दी तिलावत शुरू कर दियो नवे सूट सिलवा लो खुशियां ते जश्न मनाओ अल्लाह फरमांदा कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ ذالک فلیفرحوا اللہ فرماتا ہے جب فضل تے رحمت کراں پھر جشن منایا کرو جشن منایا کرو اللہ تعالی دی بارگاہ چ آخر تے دعا اے اللہ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے اون جان والے نو اللہ ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرمائے جتنے اباب درو نزدیک تو آئے اللہ ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عنایت فرمائے آمین و آخر دعایا الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جو بھائی سلام دا شیر پڑھ کے دعا کی